दोस्तों नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल मोंटी जन सेवा केंद्र में। आपको हम बताने वाले हैं इस वीडियो में कि CSF के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। CSF फायरमैन मेल 2024, तो कैसे आपको इस फॉर्म को भरना है आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, जब ये आपको समझ में आ पाएगा। अभी स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा काम करना है, चैनल अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि एजुकेशन से रिकॉर्डिंग सारी वीडियो लाता रहता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, sarkarajail.com पर आ जाना है। लास्ट जॉब के ऑप्शन मिल जाएगा, इसी के नीचे मिल जाएगा CSF कोस्टल फायर ऑनलाइन फॉर्म 2024, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। अगर मान लिया आप दोस्तों जनरल OBC डलेस कैंडिडेट है, 100 रुपीज़ है, SST के लिए 0 बैलेंस है, 31 अगस्त से लेकर 30 सितंबर तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 18 से लेकर 23 साल आपकी मांगी गई है, टोटल 1130 पोस्ट निकाली गई है कॉन्स्टेबल फायरमैन की, जिसमें जनरल की 466 है, OBC की 236, IDLS की 114 है, ESC की 153, ST के 161, टोटल 1130। तो ये ओनली मेल कैंडिडेट के लिए है, 10+2 होना चाहिए, विद साइंस आपके पास होना चाहिए, हाइट आपकी 170 इंच चाहिए, चेस्ट आपका 80 से 85 के बीच होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, स्टेट वाइज यहाँ पे वैकेंसी दी हुई है, देख लेना आप। नीचे आएगा अप्लाई ऑनलाइन के सामने, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन का। तो अगर आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, मैंने पहले वीडियो में बताया था आपको, तो पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना पड़ेगा। कंप्लीट करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है, क्लिक करने बाद इस तरह का इंटरव्यू मिलेगा। यहाँ पर आपको नाम वेरीफाई करने के लिए दोबारा से नाम चेंज हुआ है कभी यस करिए, नाम चेंज जो हुआ है डालिए, नाम चेंज अगर आपका नहीं हुआ है तो इसे नो ही रखिए। पिताजी का नाम डालना है दोबारा से पिताजी का नाम, माताजी का नाम दोबारा माता, डेट ऑफ बर्थ दो बार डालनी है, एक कैप्चर डाल के सबमिट कर देना है। तो आपका OTR रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब कंप्लीट होने के बाद आपको अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वेरीफाई भी करना पड़ेगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरी चैनल पर जाके वीडियो देख सकते हैं दोस्तों, मैंने वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ CSF OTR के रजिस्ट्रेशन मतलब रजिस्ट्रेशन के ऊपर कैसे कैसे करना है आपको। अब आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और ये पासवर्ड डाल के ये कैप्चर डाल के लॉगिन कर लेना है दोस्तों। तो दोस्तों लॉगिन हो जाओगे, लॉगिन होने के बाद देख सकते हैं मेरा पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के लॉगिन हो चुका हूँ मैं फॉर्म में। अब नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे साइड में, क्लिक है टू अप्लाई, इस पर क्लिक कर देना है। इस तरह का इंटरफेस मिलेगा, इसे आप पढ़ते हुए जाना है और कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपकी डिटेल मिल जाएगी, कुछ भरी हुई जो रजिस्ट्रेशन के टाइम भरी थी, आपने नाम वगैरह पापा का नाम, फिर आपकी जाति पूछी जाएगी, आपकी जाति जोन सी भी है, जनरल SC ST OBC जो भी है सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद नीचे आना है, नीचे आने बाद यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आपकी हाई क्वालिफिकेशन क्या है, अगर आपने 12वीं से ऊपर ग्रेजुएशन किया हुआ है तो ग्रेजुएशन आप सेलेक्ट कर लेना है, नहीं तो आप 12वीं सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा आपकी लैंग्वेज कौन सी है वो आप सेलेक्ट करिए, सॉरी आपका धर्म कौन सा है वो आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा, आप नीचे आना है, यहाँ पे स्टेट आप सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट आपको फिल करनी है अपनी जो भी है। उसके बाद आएगा आपका एड्रेस, तो एड्रेस सॉरी आइडेंटिटी मार्क, चेहरे पे कोई कट मार्क या तिलविल है तो उसे आप डाल सकते हैं, नहीं है तो 9 मार्क आप डालिए, 2 मार्क के ऑप्शन दे रखे हैं तो 1 मार्क में मैं डाल लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। तो एक में मैंने अपना मार्क डाल दिया है, एक में 9 मार्क कर दिया है, तो आप भी इसी तरह से देख लेना, नहीं तो आप अलग अलग दे सकते हैं। फिर आपको एड्रेस अपना डाल देना है, जो भी एड्रेस है वो आप फिल कर देंगे, पूरा एड्रेस आपको डालना है, फिलहाल अभी आपको मैं ऐसे ही डाल के दिखा रहा हूँ। उसके बाद आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट आपको देखनी पड़ेगी अपनी, पिन कोड आपको देना है अपना जो भी है। उसके बाद यहाँ पर सेम पर डिटेल कर देना है, फिर डिटेल अगर मान लिया दोनों डिटेलें आपकी एक ही है, दोनों एड्रेस एक ही है, तो यहाँ पे आप टिक करके दोनों में एक से एड्रेस डाल सकते हैं, अलग अलग है तो अलग अलग आप डाल देना। उसके बाद आपको कर देना है नीचे को टिक। अब दोस्तों आपको यहाँ पे देना है 23वें नंबर पर, जब आप आओगे तो 23वें नंबर पर आपको फोटो डेट ऑफ द विच फोटोग्राफ, तो आपको अपनी फ़ोटो की डेट देनी पड़ेगी जिस टाइम आपने फ़ोटो लिया है। तो दोस्तों मैं अपनी फ़ोटो की डेट यहाँ पर डाल लेता हूँ,
तो आपको जो भी डेट आपकी फ़ोटो की जिस दिन लिया है आपने उस दिन का डेट डालना है, ठीक है। तो उसको उसके बाद ये पढ़ना है, पढ़ने के बाद यस या नो में जवाब देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे टिक करना है और सेव एंड प्रीव्यू पर डिटेल कर देना है चेक। दोस्तों एक बार प्रीव्यू को वेरीफाई कर लेना है, चेक कर लेना है अच्छे से। अगर आपको लगे सब कुछ ठीक है तो आपको फाइनल सबमिट कर देना है। अगर लगे कोई गलती है तो आप एडिट एप्लीकेशन पर क्लिक करके अपने फ़ोन को ठीक कर सकते हैं, जो भी कोई गलती हो चुकी है आपसे। अभी फ़िलहाल मैं फ़ाइनल करूँगा और यहाँ पे देख सकते हैं आई हैव सेंटेड इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पे मेरा सबमिट हो चुका है ये। अब मुझे फ़ोटो और सिग्नेचर और यहाँ पे फ़ोटोग्राफ ये कुछ अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है। तो सबसे पहले आपको एज प्रूफ के लिए अपनी 10th की मार्कशीट आप दे सकते हैं, जो कि PDF में आपका साइज मांगा गया है 1 MB तक। और उसके बाद 10th 12वीं की मार्कशीट आपको देनी है, उसके बाद फ़ोटो आपको देना है, उसके बाद सिग्नेचर आपको देना है। तो जो फ़ोटो है वो 3 महीने से पुराना आपका होना नहीं चाहिए, यहाँ पर लिख रहा है साफ साफ 3 मंथ ओल्ड फ्रॉम द डेट। तो कह रहे हो तो 3 महीने आपका पुराना नहीं होना चाहिए, 3 महीने के अंदर अंदर की डेट आपको डालनी है। तो फटाफट मैं इन्हें अपलोड करूँगा, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करना है। अभी दोस्तों देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सारी चीज़ यहाँ पर अपलोड कर ली है, चारों के चारों चीज़ देख सकते हैं। अब यहाँ पर व्यू फाइल का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, तो या तो आप व्यू फाइल पर क्लिक करके अपनी डिटेल को चेक कर सकते हैं, मतलब आपने क्या चीज़ अपलोड की है क्या नहीं, तो आप यहाँ से क्लिक करके चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको फाइनल सबमिट सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। तो देख सकते हैं डॉक्यूमेंट सेव सक्सेसफुल हो चुके हैं, अब आपको ओके कर देना है। ओके होने के बाद दोस्तों आपका फाइनल प्रिंट आउट आ जाएगा। तो क्योंकि मैंने ये फॉर्म SC से फिल किया था तो SC की कोई फीस नहीं है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो मैंने ये SC से फिल करके आपको दिखाया। तो यहाँ पे आपको प्रिंट का ऑप्शन मिल जाएगा, प्रिंट पर क्लिक करके आपको अपने पास प्रिंट रख लेना है सुरक्षित। अगर आपको प्रिंट निकलवाना है तो आप प्रिंट भी निकलवा सकते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आप CSF का पोस्ट का फॉर्म अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। प्रोसेस मैंने बता दिया है कैसे कैसे करना है। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पहली बार आ रहे हैं तो दोस्तों चैनल को जो है मोंटीजन सेवा केंद्र को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि एजुकेशन से रिगार्डिंग सारी वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। तो सभी का धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद जय भारत।